अंडर 15,000 में एक बजट फोन सुपर एमोलेड विद 90 हर्ट्ज, व्हाट बढ़िया प्रोसेसर, मतलब पीरो गेमिंग, 64 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा, बिग बैटरी, फास्ट चार्जर, वो भी सिर्फ और सिर्फ 13,999 में। असंभव। ये संभव है। आई नो आजकल के महंगाई में एक बढ़िया फोन बजट प्राइस में मिलना बड़ा ही मुश्किल है, इसलिए शायद आप शॉक्ड हो गए होंगे। एक वैल्यू फॉर मनी बजट ऑलराउंडर फोन है, बट एक सेकेंड, ऐसा ब्रांड का कहना है, तो इसी बात पे टेस्ट करना बनता कि भाई साहब बात तो सही है। और ये फोन कोई और ब्रांड की तरफ से नहीं बल्कि पोको, यस पोको की तरफ से है। तो ये फोन है पोको M4 Pro। तो चलो फटाफट से खोल लेते बॉक्स को। ओ ओ ओ पोको येलो येलो, ये जायदाद के कागजात संभाल के रखना, ये ट्रांसपेरेंट केस और ये हमारा ओ हो 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 पोको M4 Pro। चल तो जाता बाद में देखूंगा, पहले अंदर देख लेते क्या है। टाइप सी केबल, 2 फोनों से भी तेज फास्ट चार्जर, लुक एट द डिजाइन। फर्स्ट टाइम आपके फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव कहाँ से आ गए, मतलब कोई भी इस फोन को देखेगा ना उसका यही रिएक्शन होगा, क्योंकि अंडर 15,000 रुपीस में डिजाइन के मामले में ये फोन बिल्कुल स्टैंड आउट करता है। यस, ये देखने में बिल्कुल अलग लगता है। इसका ये जो कटआउट है काफी बड़ा है जो फोन को एक डिफरेंट लुक दे रहा है। जो बैक साइड है ये पॉलीकार्बोनेट है लेकिन मैट फिनिश के साथ आता है, कोई फिंगरप्रिंट के निशान नहीं आते हैं। और ये जो पेपर लाइक बैक टेक्सचर है ये काफी प्रीमियम लुक देता है फोन को। इन हैंड फील सॉलिड है, फोन स्लिम भी है और फोन ज्यादा हैवी और ना ही लाइटवेट फील होता है, मतलब एवरेज है वेट में। काफी बड़ा है वैसे। इसका डिस्प्ले 6.43 स्क्रीन साइज है और ये एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। इसमें आपको GG3 की प्रोटेक्शन दे रखी है और ये एक 90 हर्ट्ज डिस्प्ले है, स्क्रीन प्रोटेक्शन है। तो चलो गिराते हैं फोन को। भाई साहब ये बहुत तेज गिरा था, थैंक गॉड फोन को कुछ नहीं हुआ, मतलब है। उससे भी अच्छी बात, डीजे राजेश के लिए 90 हर्ट्ज फोन में होना चाहिए डिस्प्ले और वो है इस फोन में। मजाक से हटके डिस्प्ले एक्चुअली में स्मूथ है, 90 हर्ट्ज फील होता है, स्क्रीन की क्वालिटी काफी अच्छी है, डीप ब्लैक पंची कलर मिलते हैं। इस साइड से देखते हैं चेक, नीचे से देखते हैं चेक, ऊपर से देखते हैं चेक, साइड से देखते हैं चेक। फोन का डिस्प्ले भी काफी ब्राइट है, 1000 nits की पीक ब्राइटनेस है, ये सबसे लो है देखो, और ये हम बढ़ाते गए, ये सबसे हाई है, मतलब डिस्प्ले काफी ब्राइट है। बाकी फोन का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी ठीक है, ऊपर और साइड बेजल्स काफी कम करने की कोशिश की है, नीचे चिन की साइड एवरेज बेजल्स है। आई थिंक ये बेस्ट एमोलेड डिस्प्ले है अंडर 15K में। बाकी जो चीज चाहिए वो है, जैसे कि 3.5mm जैक, IR ब्लास्टर, टाइप सी माइक्रोफोन, स्पीकर, और ये स्टीरियो स्पीकर है, और ये ट्रिपल स्लॉट है, ये साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है। क्या जमाना आ गया ना, मतलब स्कूल पास किया, कॉलेज पास किया, MBA डिग्री करी, पता नहीं कौन कौन सी डिग्री करी, आखिर में लगाना क्या पड़ रहा है thank God. फोन को अनलॉक करने के लिए, है ना। स्टीरियो स्पीकर, स्पीकर की साउंड क्वालिटी इस फोन के हिसाब से अच्छी है, लाउड है। साहब इसमें तीन है कैमरे, 64 मेगापिक्सल मेन, बाकी वही 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल, एंड ऑफ कोर्स ये एक AI कैमरा है। बाकी जो आगे का है वो 16 मेगापिक्सल का सेल्फी है। इसके कैमरे में कितना दम है, चलो लेके देखते हैं कुछ फोटोज। ये है 1x, और ये अल्ट्रा वाइड जूम करते हैं, अब भाई है डिटेल्स अच्छी है, और ये 2x है, और ये मेन कैमरे से है। अब इसको जूम करते हैं, कलर्स सच बताऊं कलर्स बहुत अच्छे प्रोड्यूस किए हैं, थोड़ा सा सैचुरेटेड कर देता है जो देखने में बढ़िया लगता है, बाकी है भर भर के डिटेल्स, यस छोटी छोटी डिटेल्स कैप्चर कर लेता है। सेल्फी, ओहो हेलो, वैसे इतनी सारी सेल्फी लेने के बाद अब मुझे पता चला शक्ल से अच्छा होना जरूरी नहीं है, दिल से अच्छा होना चाहिए। अब आए ना लाइन पे। 15,000 रुपए के प्राइस पॉइंट के हिसाब से सेल्फी बहुत अच्छी है, आर्टिफिशियल लाइटिंग कंडीशन में, छोटी छोटी डिटेल्स हैं। ये देखो जो एक दाढ़ी आई है वो दिख रही है, स्किन टोन बहुत अच्छा प्रोड्यूस किया है, ओवरऑल सेल्फी देखने में डेफिनेटली 15,000 रुपए के प्राइस पॉइंट के हिसाब से बहुत बढ़िया है। यही नहीं मैंने और भी लिया है रियर और फ्रंट साइड से, कैमरा सेंटर में आपको स्क्रीन में दिखा दूंगा इंडोर और आउटडोर से, आपको एक बेटर आइडिया हो जाएगा कि ये किस तरह के फोटो क्लिक करता है। मैं कहूंगा कि यस कैमरे में काफी अच्छा काम किया है, कैमरा ऑप्टिमाइज काफी अच्छे तरीके से कर रखा है। शॉर्टकट में बोलूं इसका जो कैमरा है वो आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा, और आपको तो पता है जब तक फोन में ना होना
दम दम मतलब भाई साहब परफॉर्मेंस, फोन में बढ़िया डिस्प्ले है, बढ़िया कैमरा है, साथ ही एक बढ़िया प्रोसेसर मिल जाए, सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। इसमें MediaTek Helio G96 चिपसेट दे रखा है, 12nm वाला चिपसेट है, इतना पावर एफिशिएंट तो नहीं है क्योंकि आजकल 6nm 7nm वाले चिप आ रहे हैं मार्केट में, बट ये जो प्रोसेसर है पावरफुल जरूर है अगर हम प्राइस को कंसीडर करें तो। इसकी परफॉर्मेंस जानने के लिए ऑफकोर्स हमेशा की तरह से मैंने फोन में 3 टेस्ट किए और इसका एंटीटू देखो 312,000 के आसपास निकल के आया है, जो कहा जाए तो अपने अपने बजट प्राइस के हिसाब से काफी बढ़िया स्कोर है। ध्यान से देखो, जो CPU स्कोर है वो 92,000 के आसपास निकल के आया है और जो GPU स्कोर है वो 80,000 के आसपास निकल के आया है। एंड ऑफकोर्स ये डे टू डे लाइफ यूसेज के लिए अच्छी खासी मतलब ठीक ठाक गेमिंग के लिए भी काफी अच्छा स्कोर है। इसमें मैंने थ्रॉटलिंग टेस्ट भी किया और जो थ्रॉटलिंग ग्राफ निकल के आया है वो 74% निकल के आया है, जो एक बजट फोन के हिसाब से आई थिंक मैं कहूंगा डिसेंट है। इट्स टाइम फॉर पेरो गेमिंग गाइस। सेटिंग बैलेंस HD तक गेमिंग कर सकते हैं, HD हाई ग्राफिक्स पे, स्मूथ पे अल्ट्रा का ऑप्शन है, ग्राफिक्स यस अच्छे हैं। ओए पीछे से वार करता है बे, पीछे से वार। ओके ओके स्लिप ये क्या मारा हमसे लड़ोगे, हीरो गेमर है यहाँ पे, देखो ये देखो, अरे ओ चचा ओके देखो यार ग्राफिक्स की बात करूँ अच्छे है बजट प्राइस के हिसाब से, लेकिन हल्का फुल्का फ्रेम ड्रॉप है जो कि नॉर्मल है, होता है, सही है ओवरऑल गेमिंग एक्सपीरियंस प्राइस पॉइंट के हिसाब से, अब क्या बच्चों की जान लोगे। बाकी इसमें आपको 6GB रैम और 64GB स्टोरेज मिल जाता है और प्राइस है 14999। और इधर उधर करके मतलब कार्ड्स ऑफर लगा के डिस्काउंट लगा के 13999 में आप ये फोन बाय कर सकते हो। 6GB है, मल्टीटास्किंग चेक करते हैं। ये ऐप ओपन किया, ओके सही खुल रहा है, ये ओपन किया, ओके ये ओपन किया, ओके कैमरा ओपन करते हैं, ओके फास्ट है, यस ऐप्स जो है वो फास्ट ओपन होते हैं। एक और चीज टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, काफी बड़ा है इसमें बैटरी, 5000mAh की एक लॉन्ग लास्टिंग बैटरी है और साथ में 33 क्या साउंड कर रहा है, मतलब 33W का चार्जर भी है, फास्ट है, एक दिन का मिल जाना चाहिए बैटरी बैकअप। सेटिंग्स पे जाते हैं, नीचे गए, कहाँ है, अबे ऊपर ही तो है। MIUI 13 वर्जन दे रखा है, स्टेबल वर्जन, और ये बेस है Android 11 पे। बाकी ये एक 4G फोन है, 5G नहीं है, वैसे इसका 5G वर्जन भी है, Poco M4 Pro 5G वर्जन, अगर आपको 5G चाहिए वो चेकआउट कर सकते हो। सो ओवरऑल इस फोन को लेके मेरी राय क्या है, एक सेकेंड राय तो अभी से क्वेश्चन किया यार सही कहा ना, बात तो सही है। सीरियसली ओवरऑल फोन को टेस्ट करके काफी मजा आया और जिस फोन में हमें मजा आता है वो फोन मेरी नजर में बढ़िया माना जाता है। और नो डाउट ये जो फोन है Poco M4 Pro काफी अच्छा फोन है, इनफैक्ट मैं कह सकता हूँ कि ऑलराउंडर टाइप का फोन है। प्राइस पॉइंट के हिसाब से बस एक ही कमी है कि फोन 4G है, लेकिन इसका 5G वर्जन भी है, Poco M4 Pro 5G, आप उसके साथ जा सकते हैं अगर आपको 5G चाहिए। लेकिन इस प्राइस पॉइंट पे फोन में बहुत सारी चीजें अच्छी है, जैसे कि इसमें आपको FHD+ सुपर AMOLED विद 90Hz डिस्प्ले दिया गया है, 64MP वाला AI ट्रिपल कैमरा दे रखा है जो एक्चुअली में टेस्ट करने पे काफी बढ़िया निकल के आया है, परफॉर्मेंस काफी अच्छी है प्राइस पॉइंट के हिसाब से, और बिग बैटरी भी है विद फास्ट चार्जर। तो देखा जाए तो इस प्राइस पॉइंट पे परफॉर्मेंस, कैमरा, डिस्प्ले, बैटरी एंड हाँ एक यूनिक डिजाइन, अरे हाँ स्टीरियो स्पीकर्स को कैसे भूल सकते भाई साहब, ये सारी चीजें मिला के डेफिनेटली मेरी नजर में इस फोन को वैल्यू फॉर मनी बना देता है। एंड एक और चीज, Poco X4 Pro 5G इंडियन वेरिएंट आ रहा है एंड उसके लिए ना मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। सो मुझे तो पसंद आया भाई साहब, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताओ और दबा दो वो लाइक बटन, फैला दो यार वीडियो को, और मिलता हूँ मैं आपको एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।